जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये वीडियो है आपकी फर्स्ट चॉइस पर एसएससी जीडी में आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए। 90% लोग या कितने 90% लोग जब फाइनल मेट आने वाली होती है या जब उनका मेडिकल हो जाता है या मेडिकल फिट हो जाते हैं उसके बाद में 90% लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमारी फर्स्ट चॉइस हमने गलत भर दी है, हमारे से ये गलती हो गई है और हम फर्स्ट चॉइस कुछ और भरना चाहते थे। उनका जो स्कोर होता है बहुत ही अच्छा होता है लेकिन फर्स्ट चॉइस में गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता। दूसरा उसका एक रीज़न है, 100% में आपको उसका एक रीज़न बता रहा हूँ। होता क्या, वो देखते हैं लेकिन देखते क्या है, वो बाहर के लोगों से जानकारी ले रहे हैं जिनको पता ही नहीं है डिफेंस का अता पता ही कि एसएससी जीडी में कौन कौन सी फोर्स है, कौन सी फोर्स का क्या काम है। मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल बता दूंगा, वो मतलब बीएसएफ में सीआरपीएफ का काम बताएंगे, सीआरपीएफ में सीआईएसएफ का काम बताएंगे, सीआईएसएफ में एसएसबी का काम बताएंगे और वो भी मिक्स करके खिचड़ी बना के। वो वहाँ से बच्चे देखते हैं कि हाँ इसने ये बता रखा तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, इसमें क्या सर। अरे भाई उनको खुद को ही नहीं पता है कि फर्स्ट चॉइस होनी क्या चाहिए। और YouTube पर 90% लोग तो झूठ बोलने में फेमस हो रखे, दे दड़ा दड़ झूठ। और सच्ची बात अगर आपको कोई बताएगा तो आप सुनना चाहोगे नहीं क्योंकि पसंद आएगी नहीं, पसंद इसलिए नहीं आएगी, सच्ची बात है, थोड़ी सी तो हल्की फुल्की कड़वी लगेगी। तो दोस्तों इस प्रकार की गलतियां 90% लोग करते हैं। अभी भी मेरे, मैं आपको इंस्टाग्राम की स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा तो आप देखते रह जाओगे, हर एक बच्चा मेरे से ये बोल रहा है क्या सर अब हम पोस्ट चेंज कर सकते हैं, क्या सर अब हम पोस्ट, अभी तो चलो मेरिट आ गई अब तो उनको पता अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इससे पहले तो हर रोज़ ये क्वेश्चन क्या सर हम पोस्ट बदल सकते हैं, क्या सर हम पोस्ट बदल सकते हैं। अरे भाई फिर मौका नहीं मिलेगा, फॉर्म भरते समय अगर आप गलती कर दी पोस्ट सेलेक्ट करने में फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे मेन ज़रूरी है आपको कौन सी पोस्ट चॉइस करनी चाहिए, आपको कौन सी फोर्स में जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैनल पर मैंने हर एक डिपार्टमेंट CISF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल और SSF, NIA, इन सभी की जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बना रखें, एक एक बार आप ज़रूर देख लें कि किसका काम क्या है। सबसे पहले आप ये काम करें कि सबसे पहले देखें कि किसका काम क्या है, वो क्या काम करती है और आपको क्या काम करना है, ताकि आपको फिर फर्स्ट चॉइस करने में फिर आगे जाके पछताना ना पड़े, एफिडेविटों का काम ना पड़े। तो पहली बात तो हम फर्स्ट चॉइस बताऊँगा। दूसरी एक चीज़ और जो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं फिर बाद में एफिडेविट लेके चलते हैं, वो होते हैं फॉर्म भरने में मिस्टेक। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर फर्स्ट चॉइस पर हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे अगर आपकी तगड़ी, आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा रहेगा और आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो तो हमेशा SSF या NIA में से होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों जॉब है, बहुत ही शानदार एक्सीलेंट जॉब है, लेकिन इसके लिए स्कोर 90+ चाहिए। ये पहले मेरे से लिख के ले लो, इसके लिए स्कोर आपको 90+ ही चाहिए, 90+ से कम होगी तो बेटा बात बनेगी नहीं। इसलिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 90+। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी हो रहा तो, लेकिन आपकी जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका काम क्या है, छोटा सा आपको रिपीट देता हूँ, इसका काम होता दोस्तों जैसे CBI काम करती है ना, उसी प्रकार NIA काम करती है। अभी विशेष रूप से ये काम करती है जो गांजा तस्करी या ड्रग्स माफिया होती है इसके खिलाफ़। जैसे आपने अभी देखा होगा वो केस चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत का, तो उसमें NIA काम कर रही थी। आपने कई बार NIA को देखा होगा, वो एक कोट पहना रहते हैं, उनके पीछे सिविल ड्रेस में NIA लिखा हुआ रहता है, कोट पे ब्लू कलर का कोट रहता है, उस पर NIA लिखा, यानी वो विशेष रूप से काम करती है इनके बारे में। तो दोस्तों बहुत ही एक्सीलेंट जॉब है, सिपाही रैंक के लिए भी बहुत शानदार जॉब है, माइंड वाला जॉब है, अच्छा जॉब है। दूसरा SSF, स्पेशल सिक्योरिटी सेल या स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, दोनों नामों से बोल सकते हैं इसको। तो इसका भी जो विशेष काम होता है बहुत ही शानदार काम होता है दोस्तों, और ये विशेष रूप से ड्यूटी देती है VIP प्रोटेक्शन के लिए, या जो अपनी रो है खुफिया एजेंसी उसको प्रोटेक्शन के लिए विशेष रूप से गठित की गई है। इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, छोटी फोर्स है लेकिन शानदार फोर्स है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसमें काम करने वाले बंदों को। तो ये फर्स्ट चॉइस आपकी, दो में से कोई भी फर्स्ट चॉइस करना, लेकिन 100% ये दो ही करना दोस्तों, मुझे याद रखना ठीक है, 100% ये दो ही जॉबों में से आपको फर्स्ट चॉइस करनी है। इसके बाद में अगर आपकी, अब तीसरी जो चॉइस आती है वो आती है आपकी फर्स्ट, अगर ये स्कोर नहीं हो पाता तो फिर आपको तीसरी चॉइस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चॉइस का होता क्या है, मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस बार जो SSGD में हुआ वो ये हुआ है,
ये दो फोर्स को आप अलग कर दीजिए। इसके बाद में जो छह फोर्स आपकी आती है, BSF, CRPF, ITP, असम राइफल, SSB और CISF, ये जो छह फोर्स है दोस्तों, अगर आपने जो तीसरी पोस्ट चुन रहे हो वो मतलब इन दो को छोड़ के, वो फर्स्ट पोस्ट इनमें से अगर आप चुन रहे हो, अगर वो नहीं मिली तो फिर इनमें से पांचों में से कोई भी दे सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपने दो नंबर पे कौन से सेलेक्ट किया, तीन नंबर पे कौन से सेलेक्ट किए, ये फिर मायने नहीं रखता है। तो इसलिए जो तीन नंबर जो पोस्ट सेलेक्ट करते हो बहुत ही स्पेशल पोस्ट होनी चाहिए, आपको उसी में जाने की आपकी सोच होनी चाहिए कि हाँ मुझे इसी में ही काम करना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मेरे से लेते हो कि आपकी फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी होनी चाहिए, तो दोस्तों अगर लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बताता हूँ, अगर लड़की हैं तो वो SSB और CISF ज्वाइन कर सकती है फर्स्ट चॉइस। ये दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें फैमिली रखने की सुविधा बाकी फोर्सेस की बजाय थोड़ी सी अच्छी है। तो लड़कियों के लिए फर्स्ट चॉइस SSB या CISF हो सकती है। आपको पता है CISF की मेरिट काफ़ी अप रहती है, तो आप फर्स्ट चॉइस CISF कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी लेवल की नहीं जाएगी, या आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाऊँगा, तो SSB, इसकी थोड़ी सी मेरिट कम रहती है CISF में। तो लड़कियों के लिए SSB और CISF, लड़कों के लिए फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, लड़कों को डिपेंड करता है उनको किन में जाना है। कईयों को होता है कि मुझे CRPF में जॉब करना है, क्योंकि कईयों के जैसे घर दिल्ली पड़ता है या छत्तीसगढ़ में, तो उनको पता है यहाँ पर CRPF दबा के, तो उनको घर के आसपास में रहने का मौका मिलेगा इस फोर्स में, यानी CRPF की बटालियन सबसे ज़्यादा है आपको पता है जम्मू में या छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तो या दिल्ली में VIP बटालियंस है। तो यहाँ के जो लड़के होते हैं इनकी फर्स्ट चॉइस CRPF हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली रखने की सुविधा इनको अच्छी मिल जाएगी, घर के आसपास में ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, जैसे CRPF के RF है या NDRF में जाके, या कोबरा बटालियन है छत्तीसगढ़ में उसमें जाके, तो आप फैमिली के साथ में अच्छे से रह सकते हो, तो एक चांस मिलता है। इसलिए इनकी फर्स्ट चॉइस CRPF भी हो सकती है। बाकी CISF आप फर्स्ट चॉइस कर सकते हो, SSB कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को के कम बता रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में इन दोनों फोर्स में सबसे कम रिस्क माना जाता है। अब सभी को पता है CRPF में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क माना जाता है, उसके बाद में BSF में ज़्यादा रिस्क माना जाता है, ITBP और असम राइफल वो फर्स्ट चॉइस कर सकते हैं जिनको आर्मी की ड्रेस पहनने का मतलब जुनून हो, और मतलब विशेष रूप से मतलब कैंटीन सुविधाएं दी जाती है उसमें, दारू वारू दबा के मिलती है, और जिनको आर्मी की ड्रेस पहनने का जिनका जुनून होता है वो असम राइफल फर्स्ट चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट चॉइस जो आपकी होती है उसके लिए मैं फर्स्ट के बारे में बात करूँगा, बाकी आपकी इच्छा आप कौन सी चूज करते हो, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ CISF SSB वो लोग चूज कर सकते हैं, यहाँ पर कम रिस्क होती है, बहुत ही कम रिस्क वाला है, एयरपोर्ट ड्यूटी, मेट्रो ड्यूटी, आप सभी को पता है इनकी AC ड्यूटी होती है, और SSB इसका भूटान, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है इसको देखती है, यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए मैं SSB बता रहा हूँ। उसके बाद में CRPF आपको सभी को पता है पूरे देश में काम करती है, और वो लोग इसको फर्स्ट चॉइस कर सकते हैं जो दिल्ली के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, यहाँ पर इसकी बटालियन बहुत ज़्यादा, जम्मू के रहने वाले, तो यहाँ पर इसकी बटालियन बहुत ज़्यादा, आपको फैमिली के साथ रहने का मौका बहुत ज़्यादा मिल जाता है, वो चॉइस कर सकते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको सभी को पता है इसकी बॉर्डर पर ड्यूटियाँ होती हैं, और इसके अलावा स्टेटों में भी ड्यूटियाँ होती है, तो इसमें भी वो लोग चॉइस कर सकते हैं जिनको मतलब जज्बा रहता है कि हाँ मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है या BSF में ही सर्विस करनी, वो लोग इसको चॉइस कर सकते हैं। असम राइफल को कौन चॉइस कर सकता है, असम राइफल को वो मेरा दोस्त चॉइस कर सकता है जिसको आर्मी में जाने का जुनून होता है, आर्मी में नहीं जा पाता, आर्मी की वर्दी पहनने का जुनून होता है, तो उसमें सेम वर्दी होती है, और वो मेन पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल है, उसमें कैंटीन सुविधाएँ मिल जाती है आपको आर्मी की, और बहुत ही अच्छी सर्विस है उसकी, लेकिन उसका जो वेतन होता है वो सब क्या सब जिस प्रकार से बाकी सभी आर्मर्ड पुलिस फोर्स में सेम टू सेम वैसा होता है, यानी गृह मंत्रालय के अंदर ही आता है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही वो आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से ये चूज कर सकते हो। मैं केवल फर्स्ट चॉइस बता दिया, इनके काम बता दिए, थोड़ा सा रिपीट दे दिया, बाकी इसकी जो पूरी डिटेल है आप जाके देख सकते हो, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में मैंने वीडियो बना रखा, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके दोस्तों। जय